असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शायद सर्ज एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज़ फॉर क्लास थर्ड सेमिस्टर एंड माई डियर वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर फोर और कल हमने डिस्कस किया था वाट इज़ अडोलसेंस वाट आर इट इज़ ब्यूटिफुल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कल ही हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया और जो मैंने लास्ट में जो नोट्स अटैच किए थे जिसपे मैंने आपको पढ़ाया था वही लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आता है तो आप उतना ही लिखोगे बेटा ठीक है तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो इसके बाद टॉपिक है वट इज दैट येस माई डियर आर राइट दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एन एडुलसेंट देखिए सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो एडुलसेंट का पीरियड है ना ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशल पीरियड ऑफ इंडिविजुल uh, लाइफ माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं सडन चेंजेस आती हैं चूँकि इंसान में तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मतलब बहुत स्टडी की है अडुलसेंस को लेकर और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट माना जाता है वो स्टैनली हाल है याद रखना जिसने स्ट्रस एंड स्टोरम की का कॉन्सेप्ट कहा है एडोलसेंट पीरियड को ठीक है तो आप लाइन बाय लाइन आप वीडियो uh, को पास कर सकते हो लाइन बाय लाइन इन लाइन्स को देख सकते हो तो आप इतना ही नोट बना सकते हैं बेटा ठीक है तो चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी ऑल अबाउट वट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वट प्रॉब्लम्स ऑफ अडुलसन देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू फिजिकल ग्रोथ पॉइंट नंबर फर्स्ट पे फोकस करेंगे देखो इस पीरियड में जो एडोलसेंट्स होता है ये मैक्सिमम ग्रोथ गेन करता है इसमें ज़्यादा वेट बढ़ जाता है हाइट बढ़ जाती है तो कभी कभी बहुत सारे एडोलसेंट्स ये दे लुक ऑकवर्ड एंड क्लम्पसी राइट तो दे थिंक दैट दे मे बी क्रिटिसाइज अगर मामूली कैं चीज़ तिन बॉडी रिलेटेड आ तुम्हें वह ज़्यादा डिस्टर्ब गसन। फॉर एग्जांपल खास कर अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे अगर पिंपल्स की बात हम करेंगे या किसी का शॉर्ट स्टैचर होता है किसी का ज़्यादा लंबा स्टैचर होता है किसी का वेट ज़्यादा गेन होता है और कोई जैसे नटराज पेंसिल जैसे होता है आई एम सॉरी टू से कि लुक लुच्छे कत करा यानी ये एज ही ऐसी होती है ठीक है तो प्रॉब्लम इज़ रिगार्डिंग फिज़िकल ग्रोथ ओके ये आराम से आपको समझ आएगा ओके okay. नो इसमें क्या होता है फिजिकल ग्रोथ को लेकर इसमें मतलब सोशल एडजस्टमेंट उनको प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है तो पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन हाँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो एडुलसेंट um, पीरियड है इसमें मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है तो एडुलसेंट जो होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो कंपटीशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो दे द एडुलसेंट फाइंड ग्रेट कंपटीशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ही समटाइम्स थिंक इज दैट ही कैन नॉट कोप अप विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और ही कैनॉट इवन पास द एग्जामिशन बिकॉज अकेडमिक कोर्सिसम चैलेंजिंग टू हिम राइट यहाँ एडुलसेंट पीरियड ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता है और जो बच्चा पढ़ता है ना वो इतना ज़्यादा पढ़ता है इतना ज़्यादा है। ठीक है तो, ये है, okay? तो आप आराम से देख सकते हैं इतना ही भाई आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर थर्ड पे चलते हैं प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट देखो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज अनसर्टिन फॉर फ्यूचर वैकेशन तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई आगे मुझे क्या होने वाला है मेरा जॉब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो एडजस्टमेंट वोकेशनल एडजस्टमेंट इंसान को आ जाती है तो ये ब्लैक साइड पिक्चर होता है एडुलसेंट्स में बहुत सारे जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है तो जब वो देखते हैं कि इतने सारे यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उनको और ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है बेटा तो इट हंट द माइंड ऑफ एडुलट द माइंड ऑफ एडुल्सेंट एजुटेट्स अगेंस द सोशल ऑर्डर एंड बिकम्स रेबेलस तो अगर इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो भी एग्रेसिव बन जाता है तो ये एंट, इसमें एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है <laughs> ये याद रखना बेटा तो इट इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन एडजस्टमेंट तो चलते बेटा प्रॉब्लम नंबर फोर पे प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग फाइनेंस हाँ ये तो सबसे जबरदस्त है अगर हम अपनी कंट्री की में देखेंगे तो हवर इंडिया कंट्री इंडिया इज अ पोअर कंट्री तो पोअर्टी गिव बर्थ टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफकोर्स

जब एडुलसेंट्स की को पैसों की कमी होती है बहुत सारे ऐसे एडोसेंट्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं जो पेरेंट्स दे फील शायद अगर वो पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे तो अगर पैसा उनके पास अवेलेबल नहीं होता है ना तो वो चोरी भी कर सकते हैं मैंने अभी कहा कि एंटी सोशल बिहेवियर ये जिवनाइल डीलिंग केस ये क्रिमिनल क्राइम केसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कोई क्राइम किया जिससे उसको पैसा मिलेगा ठीक है तो ड्रग को किसी से बेचा तो उसको पैसा मिलेगा तो सिनिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज दियर तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज द रूट कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम इन द इस इसमें आप अच्छा खासा नोट बना सकते हो बेटा तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फोर दैट इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग फाइनेंस राइट ओके डियर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल हाँ हां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन दिस पीरियड जो इमोशन होते हैं वो सबसे पीक पे होते हैं तो इनकी डिग्री ये हाईली इनस्टेबल होते हैं बेटा याद रखना इमोशनल इमोशनली अनस्टेबल होता है एडलसेंट माइंड ठीक है तो एडलसेंट जो है ना इनको अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं होता है तो इनके इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं याद रखना है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ड्यू टू दीज इमोशनल डिस्टर्बेंडोल जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है एंग्जाइटी का शिकार होता है उसमें डेवलप होते हैं बेटा ये याद रखना एंड वो एब्यूजिव बिहेवियर इख्तियार करता है इससे क्या होता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ड्रग्स लेना शुरू कर लेता है क्यों क्योंकि उसको अपने इमोशंस के बारे में पता नहीं होता है तो इट प्रॉब्लम नंबर फाइव तो में किस पे चलते हैं प्रॉब्लम तो होते, मतलब होते हैं तो हारमोलेशन ज्यादा होती है तो उसको सेक्चुअल रिलेटेड थाट्स आ जाते हैं हिटीरोक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ है एडुलसेंट्स और आप देख सकते हैं कि आपने बहुत कई बार देखा है मूवीज में देखा है अखबारों में देखा है तो एडुलसेंट पीरियड में येक्ट रिलेटेड कितने स्कैंडल्स हुए हैं या कितनी प्रॉब्लम आते हैं बच्चों में तो इसलिए बेटा सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड करना ये बहुत अहम रोल है एजुकेशन का जो जिससे हम इन बच्चों को बचा सकते हैं तो है नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द फिना तो ये अचानक से आ जाता है तो ठीक है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं ओके तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा आपको खुद ही समझ आएगा ओके नाउ द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड फ्रीडम इन स्कूल्स एंड होम तो एडजस्टमेंट सेल्फ क्राइसिस हो जाते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जब बच्चे को नसीहत करते हैं वो कहते हैं आप मुझे नहीं समझोगे वो याड्सट्रा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट में को लेकर इंसान को चाह मतलब एडुलसन कहता है कि आपने मुझे मेरी फ्रीडम को स्नैच किया है आप मुझे ये करने नहीं देते हो वो करने नहीं देते हो फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम नेबर्स के साथ प्रॉब्लम घर के साथ प्रॉब्लम होम के साथ प्रॉब्लम यानी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर इन एडन अडल ये क्यों होता है बेसिकली क्योंकि वहाँ पे एंडोक्राइन सेक्रिशन इज ज्यादा मतलब अचानक से हो जाती है तो दैट इज व्हाई ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड डिसप्लिन इन स्कूल एंड होमज तो टीचर इन स्कूल आर वेरी रिचड एंड कंजरवेटिव आपको पता है कि टीचर जो सख्त होता है मतलब ये डिसिप्लिन को लेकर तो इसलिए इसको प्रेशराइज़ दे प्रेसराइज एडोल्स एंड स्टूडेंट्स फॉर कम्प्लीटिंग सिलेबस huh? तो जिनको लगता है कि ओवर लोडिड है एडस तो देर आर सो मैनी यू नो प्रॉब्लम दैट आर फेसड बाई अडोट्स एंड जिससे उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है स्कूल में भी और घर में भी ठीक है बेटा तो अब आ, आप ऐसे एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे बाई विच यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडल्सें तो एजुकेशन से हम प्रॉपर फिज़िकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आ, 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 विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू कैन गिव ट्रेनिंग टू द इमोशनज वी कैन प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन वी कैन प्रोवाइड गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं तो वी कैन ऑर्गनाइज समिकुलर एक्टिविटीज़ राइट वी कैन अटैच गिव लाइब्रेरी फैसल्टीज़ वी कैन गिव रिलीजस एंड मॉरल एजुकेशन वी कैन यूज़ प्रॉपर टीचिंग मेथडोलॉजी इज़ राइट तो ये सारी चीज़ें आप अलहमदिल्ला खुद लिख सकते हो कि एजुकेशन कैसे मतलब एक टूल बन जाता है जिससे हम एडोलसेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं तो दिस वॉज ऑल बेटा अबाउट दिस प्रॉब्लम तो इनशाला कल इसी का और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एडजस्टमेंट एंड मॉल मेंटल हेल्थ वो में कॉन्सेप्ट है तो कल इनशाला लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद में खाली फिफ्थ हाँ सन्डे uh, को मैं आपको एक मॉडल पेपर देता हूँ तो मॉडल पेपर में बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन इनशाला उसी में से आएंगे या अगर नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आपको एक पिक्चर जहन में बनेगी कि क्वेश्चनस कैसे आएंगे आई विश यू ऑल द बेस्ट डियर और हाँ बेटा लास्ट में अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा अगर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मत करो लेकिन कम से कम यार शेयर तो ज़रूर करना है उन बच्चों तक पहुंचाना है जिनको अभी तक मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर अभी भी अभी आज मैंने आपकी चैनल देखी आज मुझे पता चला मैंने इसके बाद इसके इससे पहले मतलब आपकी चैनल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो थैंक यू मेरा ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज़ लर्निंग